कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप्स की वीडियो में हम बात करेंगे लॉन मस्क की और खान साहब की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो लॉन मस्क की बात करते हैं। लॉन मस्क साहब ने एक बहुत, यानी कि आप समझ लें कि देखिए उस बंदे की तालीम मैट्रिक ही क्यों ना हो, लेकिन ही नो हाउ टू डू बिजनेस। उसको बिजनेस करना आता है, तभी तो उसने इतने बिजनेस खोल कर रखे हुए हैं। आपको सिर्फ टेस्ला का पता है, उसकी स्पेस एक्स है, ट्विटर है, 3-4 और उसकी वो क्या कहते हैं कंपनीज है, उसमें वो काम करता है। तो इलॉन मस्क साहब जो ट्विटर ने, पहले उन्होंने ट्विटर के कुछ शेयर खरीदे, फिर वो बेच दिए। शेयर खरीदे थे, बेचा नहीं, पूरा ट्विटर नहीं खरीदा था, फिर शेयर्स खरीद के वो बेच दिए, फिर इतनी चुल मची कि पूरा ट्विटर ही खरीद लिया। और देखते 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 उनके फॉलोअर जो 50-60 या 40 मिलियन पे थे, वो अगले दिन ही 100 मिलियन पे चले गए। मुझे लगता है ट्विटर पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स ही उनके हैं 100 मिलियन से ऊपर। तो उस बंदे को तो बिजनेस आता है। क्या किया उन्होंने कि जिन बंदे के पास ब्लू टिक मार्क है, देखिए ब्लू टिक मार्क उनको कहते हैं कि जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो और फॉलोइंग कम हो। और जारी बात है जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, वो जारी बात है वो यूट्यूब पे भी फेमस, अगर यूट्यूब पर फेमस होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, टीवी होस्ट होगा, कोई जर्नलिस्ट होगा, कोई क्रिकेटर होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई एक्टर होगा, बड़ा आदमी होगा, यानी कि वो उसको पाकिस्तान जानता है, तभी उसके 1 मिलियन या 500,000 या जो भी आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं और फॉलोइंग उनके 50-60 बंदे होते हैं टोटल, वो भी उन्हीं की कैटेगरी के लोग होते हैं। तो इस तरह उनको मिल जाता है ब्लू टिक मार्क कि यार ये वेरीफाइड हो चुका है, ये एक अच्छा, ये एक वो क्या कहते हैं प्रोफेशनल अकाउंट बन चुका है। तो इनसे पहले जितने भी लोग आए थे, जो ट्विटर का पहले का मालिक था, उसने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने ब्लू टिक मार्क वालों से अब $20 जुर्माना तो नहीं उनसे पैसे लेंगे, यानी कि पगार, भाई तुम्हारे पास ब्लू टिक मार्क है, तुम्हारे पास पैसा $20 दो। बिजनेस इसे कहते हैं, आप बीबीए कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, हमारे यहाँ तो अगर आप को पीएचडी में भी अगर कोई बिजनेस की कोई डिग्री है ना, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री, उसके बावजूद एमबीए बीबीए पीएचडी करने के बावजूद, डॉक्टरेट इवन करने के बावजूद हमें बिजनेस करना नहीं आता। और वो आदमी जो साउथ अफ्रीका का है, शायद एजुकेशन नहीं है, एजुकेट वो नहीं होंगे, एमफिल पीएचडी तो गालिब नहीं की होगी उन्होंने, या इक्विवेलेंट डिग्रीज, तो उनके बावजूद देख ले वो इतना दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना हुआ है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। चिल सीन है भाई, वो आदमी जो है ना वो दुनिया को हिलाने पे लगा है। और देखो दुनिया पे क्या है, देखो मेरी बात सुनो, दुनिया में 1000 मसले हैं, वो सोच रहे हैं मार्स का, जब मार्स में रहना है भाई, अब भाई मार्स में रहना है, सब कुछ साइड वाइड पे करो और खत्म करो गेम, क्या दुनिया कुछ भी नहीं, चलो मार्स पे रहते हैं। मुझे जो लग रहा है, अगर ये बंदा इस तरह काम करता रहा तो देखो जुपिटर पे नहीं जा सकते हम, ना सैटर्न पे जा सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि जुपिटर और सैटर्न जो है वो गैस के बने हुए हैं। हम ज्यादा अर्थ पे रह सकते हैं या बहुत लंबी छलांग भी लगा ले तो वो मार्स पे रहेंगे, लेकिन उसका खर्चा $8 होगा। ठीक है अर्थ जैसा एनवायरनमेंट है चंद फीसद, लेकिन अभी भी वो ज्यादा ठंडा इलाका है और वो छोटा इलाका है, तो मार्स छोटा है एज कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ एक काफी बड़ा प्लेनेट है। बाकी जो आपके बच्चे यूरेनस नेपच्यून, वो वहाँ पे वो रह नहीं सकते, वो बहुत ठंडे है। और हाँ, जहाँ तक की प्लूटो की बात है, तो वो तो रूस से भी छोटा है, रशिया जो 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे, उससे छोटा प्लूटो है। लेकिन हैंड्स ऑफ के वो उसने सोचा है, यानी कि आज से 400-500 साल बाद अगर ये मिशन कामयाब हो गया, तो लोग कहेंगे कि हाँ आज से 400-500 साल पहले एक आदमी आया था इलॉन मस्क के नाम से, वो सर फिरा था और दुनिया फतह कर लिया। और आपको मजे की मैं आपको बात बताता हूँ, जो लोग सर फिड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं पागल है, अरे सर फिड़ा है, पागल है, क्या कर रहा है, अपनी रोजी रोटी लगा, क्या अपनी रोजी रोटी को लात मार के तो आगे निकल रहे हैं, ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं। क्या ऐसा है कि सिर्फ चंद ही आपके बिजनेस टाइकॉन है या बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो मिल, यानी कि बिजनेस टाइकॉन जो आदमी मशहूर है बिजनेस के नाम पे, क्यों लीडर्स बहुत कम निकलते हैं, स्ट्रगल करनी पड़ती है, लोग आपको गालियां निकालते हैं, आप फेल हो रहे होते हैं, आप काम करते हैं आप फेल होते हैं, स्ट्रगल आप करते हैं, आप मुश्किल से गुजरते हैं। तो वैसे तो हैंड्स ऑफ के यार इस बंदे ने, मुझे तो लग रहा है कि इवन ये ट्वीट, मुझे तो डर लग रहा है कि ये ना हो कि ट्वीट करने भी ये पैसे निकालना शुरू करेगा, भाई जितने तू ट्वीट करेगा फिर तो इस हिसाब से ये जितने भी ESPN टाइप जो ये जो प्लेटफॉर्म था ये तो कंगाल हो जाएंगे, ये तो दिन में 50-60 या 100-200 ट्वीट करके बैठे होते हैं, ये तो बेचारे जनरल जो छोटी छोटी बात को ट्विटर पर लिख देते हैं, तभी तो उनके 50-60 हज़ार उनके ट्वीट होते हैं। तो अगर वो डेली बेसिस पे 70-80 ट्वीट या 100-200 ट्वीट अपने रेगुलर बेसिस पे वो करेंगे और हर ट्वीट पे $20, यानी कि आपका 4,000 रुपया, कम से कम 4,500 रुपया, अगर एक बंदा पर ट्वीट 4,500 देना शुरू हो जाए भाई, फिर तो गेम खत्म हो जाएगी, फिर तो कोई ट्विटर पे आएगा ही नहीं। और ट्विटर तो वैसे बहुत फेमस है, ठीक है, वो एक टॉप 5 में आती है एप्स में। तो देखिए भाई, दिमाग है, दिमाग होना चाहिए, बस बिजनेस माइंड होना चाहिए। उस बंदे का बिजनेस माइंड है, आप देखेंगे अगर 3-4 साल तक अगर ये और जिंदा रहा तो आप देखेंगे ये कोई दुनिया में ऐसा तीर मारेगा, आगे इतने तीर मार लेंगे, 3-4 और तीर मार लेगा कि दुनिया कहेंगे अरे यार ये रुक क्यों नहीं रहा। दूसरी खबर जो है वो ये लीडरशिप से ही है कि खान साहब को गोलियां लग चुकी हैं टांग पे, और ये तकरीबन को 4:30 बजे का टाइम था
और मैं मैच देख रहा था तो वो मैं ट्विटर पे ऐसे ही था तो पता चला कि खान साहब को गोलियां लग गई हैं। अभी वो टक फॉर लूज मेथड के जरिए मैच चल रहा था तो मैंने वो देखा, मैं ओ भैया ये तो भगदड़ मच, मैंने टीवी ऑन किया, मैंने कहा भाई ये तो भगदड़ मच गई, ओ भैया क्या हो गया सारा, वो इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर बाजे, कोई उधर बाजे रहा है, और खान साहब जो है वो कंटेनर के अंदर है। लेकिन हैट्स ऑफ टू दिस मैन, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बात करूंगा, ये जो पीएमएलएन वाले और पीपीपी वाले हैं, आप जरा ये सोचें एक बार, एक जरा लम्हा, नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान आएगा वापस? सिर्फ इतना सोच ले, क्या वो आपके लिए पाकिस्तान आएगा? पीएमएलएन नवाज शरीफ के नाम से ही पीएमएलएन एन है ही नवाज शरीफ, आपके लिए जो आप वोटर है ना, एज अ पटवारी आप वोटर है, आपके लिए क्या वो पाकिस्तान आएगा? वो कुछ कर ही नहीं सकता पाकिस्तान आके, उसकी मिलने लगी हुई हम मियाँ साहब वहाँ पे खड़े हैं, मुझे बताएं क्या वो करेंगे? क्या आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे? उनको तो जब भी मैंने जितना मैंने टीवी पे देखा है, मैं कोई मुझे कोई इनसे कुछ पर्सनली नहीं है, मैं जितना टीवी पे देखता हूँ कि नैब ने या दारा जब बुलाती है इन्हें तो आसिफ अली जरदारी साहब फौरन व्हील चेयर पर आ जाते हैं, और वैसे जलसों पे पूरी चुमियाँ दे रहे होते हैं और पता नहीं वो हॉट सीन बना रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि भाई चुमियाँ पहुँच गए मेरे जियालों तक। तो देखो वो एक लीडर, देखो उसने गोलियां खाई हैं, और पहले मुझे भी लगा था वो जिसने हवाई फायरिंग की थी, लेकिन वो था अटेंशन भगाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मुझे बात बताएं, हमें ये जो नौजवान यूथ हैं इनको शायद याद ना हो, 2009 में भी ये इंसिडेंट, 2008-09 में भी एक इंसिडेंट हुआ था बेनज़ीर भुट्टो के साथ, उनको भी शहीद कर दिया गया था, वो भी अपनी कैंपेन चला रही थी, रैली चला रही थी, उनको भी किसी नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। वो भी यही सीन था कि पहले कुछ दो तीन बंदे आए, उन्होंने हवाई फायरिंग करके लोगों का जो डिस्ट्रैक्ट किया, भगदड़ मचा दी, और फिर जो मेन टारगेटेड था जो किसी बिल्डिंग में बैठा होगा उसने AK-47 की भी AK-47 या पता नहीं स्नाइपर, पता नहीं कौन स्नाइपर्स पकड़ के जू वो स्नाइप करके ठाठर गोली चला दी उन्होंने भगदड़ मच गई। यही हुआ खान साहब, लेकिन खान साहब बच गए अल्लाह का शुक्र है। और जब गोलियां लगी तो मुझे लगा कि देखिए जब गोली चलती है सबसे पहले खान ये था कि दिल पे गोली लगी, क्योंकि इंसान उधर ही अटैक करता है, और क्या जो जराए थे उन्होंने भी यही कहा कि जिसने मारा है ना उसका वो हाथ फेर गया किसी का, किसी ने रोक ली, कोई बंदा वहां पे पहुंच गया होगा, उसने बर्बाद कार्रवाई करके जब वो चलाने लगे थे फिल्मों में, वो जब चलाने वाला तो फौरन बंदा आके रोक देता था, वो गन की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है, प्रोजेक्टर चेंज हो जाता है, जब प्रोजेक्टर चेंज होता है तो वो जारी बात है नीचे जब गन जाती है तो वो नीचे ही लगनी थी। बहुत ऑफ सीन हो जाना था भाई, इतना ऑफ सीन, अभी टांग पे गोली लगी है, टांग फ्रैक्चर मतलब इंजर्ड हो गए हैं, और खान साहब ये खान साहब दूसरे की किस्म के इंसान है, खान साहब क्रिकेट में बड़ी इंजरी उन्होंने बर्दाश्त की हुई, वो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया या निगल्स, वो तो निगल्स में मैचेस खेलते थे ठीक है, फास्ट बॉल्स तो निगल्स होती हैं, तो खान साहब नहीं रुकने लगे जो मर्जी कर ले, और अगर खुदा ना खास्ता खान साहब आज अगर मर जाते, लेकिन जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हमें नहीं पता आज हम जिंदा हैं, मुझे नहीं पता मैं कल, आज मैं इधर बैठा हूँ वीडियो अगर आज अपलोड कर देता हूँ पता नहीं कल मैं जिंदा हूँगा कि नहीं, तो जिंदगी का वाकई कुछ नहीं पता होता, इंसान कभी भी मर सकता है, अल्लाह ने जो मुकर्रा डेट लिखी है कि भाई तूने इस टाइम मरना है बस मर गया, अब तू वो ग्रीन लैंड में बैठा हो, टंडुअल्ला यार में बैठा हो, अंटार्कटिका में बैठा हो या रूस में बैठा हो, आपने आपको मौत आनी है, लेकिन बाहर लोगों पे ना अल्लाह पाक का साया होता है, वो होते हैं रेयर को 1,000 crore 100 arab में एक होता है कोई इस पर अल्लाह का साया होता है, और अल्लाह का साया ऐसे ही नहीं आता, वो राह चलते अल्लाह साया नहीं देता अपना, अल्लाह साया उनको देता है जो जिसके दिल में दर्द होती है, जो गरीबों का ख्याल करे, अपनी भी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, मैंने गरीब लोगों की, आप ये सोचेंगे मैंने गरीब लोगों की मदद करनी है, सबसे पहले तो अल्लाह पाक खुश हो गया तो बस गेम ओवर, फिर तो गेम ओवर, फिर तो बस तेरा नैया पार हो गई है, अल्लाह पाक राजी हो गया तो सब राजी हो गए, और दूसरी चीज ये दिल में रखे कि पाकिस्तान अपना ही मुल्क है, क्योंकि यार कुर्बानियां लेके ही मुल्क हासिल किया, मेरे को खैरात में ये मुल्क नहीं मिला, ये पॉलिटिशियंस ऐसे समझते हैं कि ये खैरात ही मुल्क में मिला हुआ तो एक्सप्लॉइट करो पाकिस्तान को एज मच एज यू कैन, एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग फॉर सेवरल इयर्स फॉर 7 decades। लीडर वो था जो जान भी दे सकता है अपनी, खान साहब ने जान का नजराना पेश किया, मतलब उन्होंने मतलब ट्रेलर दे दिया कि भाई देख लो यार ये हो सकता है तो मैं मर भी सकता हूँ, और जिसने भी ये काम किया ठीक है, कयास राइयाँ हो रही हैं कि जी आर्मी ने किया, जी ISI ने किया, और जी वो राना सना ने किया, इसने किया, कयास राइयाँ तो आपको पता है पर चलती रहती हैं इस तरह, तो जब तक सबूत को शवाहिद को ऑथेंटिकेटिंग न्यूज़ नहीं अगर हमें मिलेगी तब तक हम बिलीव ही नहीं कर सकते, हम यकीन ही नहीं कर सकते कि यार ये फलाने ने किया या फलाने किया या फलाने किया। राना सना में बड़े लोग कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो बयान दिए थे कि हम ये फितने को तबाह कर देंगे, हम फितने को तबाह कर देंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए इसीलिए। और आप ये सोच रहे हैं, मैं जो हमारी जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि सुन लो, इस शख्स को अगर कुछ हुआ याद रखना ये मैं नहीं कह रहा, ये 25 करोड़ का पाकिस्तान कह रहा है, और 23 करोड़ की वैसे आबादी है भी नहीं, 25 करोड़ की आबादी सीधी 25 करोड़ पाकिस्तानी अगर सड़क पे निकल आया क्या होगा, आप सिविल अनरेस्ट होगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे, आपने कभी सिविल अनरेस्ट देखा ही नहीं है, श्रीलंका ने सिविल अनरेस्ट देखा है,
लोग जब सड़कों पे आते हैं तो वो देखते हैं, तुर्की ने देखा सिविल अनरेस्ट, लोग अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो गए थे जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आज भी हमारे लिए फौजी सर आंखों पे, जो हमारे लिए जानों को नजाना पेश करें, सर आंखों पे वो है, ठीक है। वो अपनी बीवी बच्चे घर बार छोड़ के बॉर्डर पे बैठे हैं, सर्दी गर्मी बहार खजा ईद त्योहार पसंद मैच जीत गया कुछ भी हो, वो उधर बैठे हैं, वो हिलते ही नहीं है अपनी जगह से, क्योंकि वो पाकिस्तान से उनको मोहब्बत है। हमारी नौजवान है, किराए के तो नहीं हमने नौजवान खरीदे ना, लेकिन जो हमारी जो अपर आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के पिछले साल या पिछले 6-8 महीनों में इस तरह के डिसीजन ले लिए हैं कि लोगों का एतमाद फौज से हट रहा है। ये जब से DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी वजह से और नीचे चले गए हैं कि भाई DGISI कैसे आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। कभी सुना है कि DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? मीटिंग्स करते हैं, हाँ, GHQ हेडक्वार्टर में मीटिंग करते हैं, खान साहब भी गए थे, द फर्स्ट एंड द लास्ट आई होप सो। पहले और आखिरी शख्स है खान साहब जो GHQ में बैठ के उन्होंने ISI के जो, क्योंकि ISI का जो चीफ होता है उसके बाद डीप बातें होती है, बड़ी सख्त बातें होती है, बड़ी गहरी बातें होती हैं जो आम बंदा सुन भी नहीं सकता। कभी भी आप देख लें दुनिया में किसी भी एजेंसी का जो चीफ होता है वो कभी भी मीडिया पे नहीं आया। हाँ, DGISI आ रहा है, वो आर्मी की तरफ से आते हैं, ठीक है, जो जनरल बाबर इफ्तखार साहब है, लेकिन कभी ISI का चीफ नहीं आया। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 75 years के ISI का चीफ आके बैठा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अभी देखिए कल क्या होता है, अभी हम देखते हैं कल क्या होता है। अभी चलो आज हो गया साने, ठीक है, खान साहब बच गए, और अपना अस्पताल में आने का भी फायदा होता है आपको। खान साहब को कुछ भी होता है शौकत खानम, खान साहब कंटेनर से गिरे शौकत खानम, खान साहब पे गोलियां चली शौकत खानम। तो मैं यही कहूंगा कि देखो पाकिस्तान इस टाइम कोई भी सिविल अनरेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, आगे महंगाई बहुत हो चुकी है, ठीक है यार। 220 पे तुम लोगों का डॉलर खड़ा हुआ है, श्रीलंका की आबादी को 2-2.5 करोड़ होगी, ज्यादा 5 करोड़ होगी। वो सड़क पे आके थे श्रीलंका के, वो जो उनकी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल पैरों पे आ गए थे। वो तो मैं देख रहा था कि श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट हाउस है वहाँ पे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, उनके बेड पे बैठे हुए हैं, बाप का घर समझा हुआ है उसे। तो जब 2.5-3 करोड़ बंदा एक मुल्क को वक्ता डाल सकता है, तो सोचें एक मुल्क जिसकी आबादी श्रीलंका से 10 गुना ज्यादा है, और हम जज्बाती कौम है, हम श्रीलंकन शायद इतना जज्बाती ना हो, हम बहुत जल्दी जज्बात में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब ये 25 करोड़ लोग जज्बाती में आके बाहर खड़े होंगे सड़कों पे, आपके कितनों को गोलियां मार लेंगे? जब आपके सामने 25 करोड़ बंदा खड़ा होगा ना, तो ना फौज, देखिए फौज अवाम के खिलाफ नहीं जा सकती, ISI वो अवाम के खिलाफ नहीं जा सकती, पुलिस हो गई है, रेंजर्स हो गए, वो अवाम के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर 25 करोड़ बंदा बाहर सड़क पे खड़ा है, कितनों को मार लेंगे? 500-700 को मार के वो भी कहेंगे यार बस करो यार, हमारी भाई है, हमारी बहनें हैं, हमारे ही लोग हैं, कितनों को मार लेंगे? अगर पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट आ गया, जो हमने देखा इजिप्ट में, लीबिया में, चाड में, अल्जीरिया में, तुर्की में हमने थोड़ा बहुत देखा, पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी हुई, श्रीलंका का जो हमने हाल देखा, कतर में जो हमने थोड़ा बहुत देखा, फिर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है खान साहब बच गए, अल्लाह खान साहब को लंबी उम्र अता करे, ये शख्स 100 साल में एक दफा मिलता, कायद आजम के बाद ये शख्स हमें मिले। और इस बात ठीक है, आप खान साहब से इख्तलाफ करें, लाख इख्तलाफ करें, मेरे भी लाख इख्तलाफ आता है कि खान साहब ने ठीक है 3 सालों में उतना डिलीवर नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे, थोड़ा और कर सकते थे वो, और कुछ चीजें उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। लेकिन एक बात आखिरी बात करके मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में कुछ प्रोड्यूस किया हो या ना किया हो, इमरान खान हमें प्रोड्यूस करते थे। इमरान खान से बड़ी पर्सनैलिटी इस टाइम पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ढूंढ लें आप, बाबर आजम वाले बोलो कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई एक्टर हो गया वो भी कुछ नहीं है भाई। 18 मिलियन फॉलोअर्स है खान साहब के ट्विटर हैंडल पे, इंस्टाग्राम में भी सबसे ज्यादा शायद हाँ फर्स्ट सेकंड पे है खान साहब इंस्टाग्राम पे भी, और ट्विटर पे तो नंबर 1 बैठे हैं, और दुनिया का कोई माई बाप खान साहब को चैलेंज नहीं कर सकता, इतनी फैन फॉलोइंग है खान साहब की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआ करें कि खान साहब ठीक रहे। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। तारे ग्राउंड पाउंड बजते हैं चौक पे, दम लगा हाउस हाउस तभी तो भी टॉक्सिक, बेबी तेरी टॉक्सिक, हिक पे दे हिकी, गिव मी अ ब्लास्ट ऑन दैट स्टिकी हिकी हिकी, सस्ते की सिचुएशन तो ये घबरी है, बकचोद छाप रियल बात दबरी है, इट्स अ जोक टू देम हिप हॉप पिक इट।